मुंबई में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ने लगी है, जिसके साथ बीएमसी की चिंताएं भी बढ़ने लगी हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि महानगर पालिका आर दक्षिण विभाग में एक ही सोसाइटी में 17 कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद पूरी सोसाइटी को सील कर दिया गया है। इसके अलावा बीएमसी को उपनगर में 5 डेल्टा प्लस मामले भी मिले हैं। दरअसल कांदीवली आर दक्षिण विभाग के वार्ड ऑफिसर संध्या नांदेड़कर की ने बताया कि कुछ दिन पहले कांदीवली के महावीर वीनागीत संगीत सोसाइटी में 17 कोरोना संक्रमित मामले थे, जिसके बाद सोसाइटी के गेट को सील कर दिया गया है। लेकिन कब 17 मामलों में से 10 मरीज ठीक हो चुके हैं और 6 मरीज अभी भी सोसाइटी में इलाज ले रहे हैं, जिसमें से 2 अस्पताल में हैं। इसके अलावा कांदीवली के निवासियों के लिए एक और चिंता की बात यह है कि बीएमसी को 5 डेल्टा प्लस मामले मिले हैं, जिनमें 4 केस कांदीवली पूर्व में है और 1 पश्चिम के हिस्से में है। आर साउथ वार्ड की सहायक नगर आयुक्त संध्या नांदेड़कर ने कहा कि धीरे धीरे शहर में मामले बढ़ रहे हैं और हम विशेषज्ञों के अनुसार अगले महीने 3री लहर की उम्मीद कर रहे हैं। इसी को देखते हुए बीएमसी कर्मचारियों द्वारा सोसाइटी में बाकी लोगों का कोरोना टेस्ट कराया जा रहा है। लोगों को कोविड-19 को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर कोई नहीं, आप सोसाइटी के कितने लोग टोटल बिल्डिंग में, कितने कौन से विंग में है लोग इफेक्टेड? चारों विंग में कितना सही हो गए? अच्छा, कुछ लोग सही भी हो गए। तो अभी कितने लोग हैं? लगभग 8 लोग बचे हुए हैं। तो कुछ हॉस्पिटल में है, कुछ यहाँ पे होंगे? 2 आदमी हॉस्पिटल में। अच्छा, 2 आदमी हॉस्पिटल में। तो कोरोना तो चला गया था, अभी अचानक वापस से? अभी वो टेस्टिंग करवा रहे हैं ना शॉप वाले सब। शॉप वाले सब लोग करवा रहे टेस्टिंग? कहाँ पे हो रहा है? एमसी वाले आए हैं। आए हैं, कहाँ पे है? शॉप में है। 14 नंबर। अच्छा, टेस्टिंग चल रहा है उनका। ठीक ठीक ठीक। चलो, कितने कोविड पॉजिटिव मरीज पाए गए? नमस्कार। आज सुबह से तेज़ी से अफवाह फैल रही है कि एक बिल्डिंग में 13-16 पेशेंट मिल गए, 17 पेशेंट मिल गए, उसमें डेल्टा प्लस के भी पेशेंट हैं। सच्चाई ये है कि आर साउथ में पिछले 20-25 दिनों में 17 पेशेंट मिले थे। 17 पेशेंट में से 10 पेशेंट अपने घर में गए, ठीक हो गए हैं। 5 पेशेंट अभी लाइव हैं, उसमें डेल्टा से एक की मृत्यु हुई है, एक अभी इलाज चल रहा है अंधेरी के हॉस्पिटल में, और इस तरह से कोई परिस्थिति नहीं है। लेकिन तमाम तरह की भ्रांतियां, तमाम तरह से अफवाहें फैलाकर लोगों को गुमराह करने का जो काम चल रहा है, उसमें मेरी नगरजनों से प्रार्थना है, कृपया गुमराह ना हो। मुंबई महानगर पालिका पूरी ईमानदारी से, पूरी तत्परता के साथ कोरोना के इस महामारी में लोगों के इलाज के लिए, लोगों की चेकअप के लिए पूरी तरह से काम कर रही है। जिस सोसाइटी में 17 मिले हैं, उस सोसाइटी को सील कर दिया गया है या क्या किया गया है? देखिए, जहाँ जहाँ पेशेंट मिले हैं, उन सोसाइटियों को सील किया गया है। किसी एक सोसाइटी में 17 पेशेंट नहीं मिले हैं, लेकिन 1 या 2 या 3, वैसे कायदा कहता है कि 5 पेशेंट या उससे ज़्यादा मिले तो उस सोसाइटी को सील करना चाहिए। लेकिन प्रिकॉशनरी, महानगर पालिका ने खुद को प्रिकॉशनरी की मेजर के बेसिस पे अभी जहाँ कहीं भी पेशेंट मिल रहे हैं, उस बिल्डिंग को सील करने का काम कर रहे हैं, जिससे आने वाले दिनों में यह महामारी और विकराल रूप नहीं ले पाए। आज प्रयास ऐसा है कि जो बड़े बड़े मार्केट दिन भर खाने गली के नाम से महावीर नगर के जो मशहूर हैं, उनको भी बंद करने का काम मुंबई महानगर पालिका कर रही है। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।